आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 31 जुलाई हो गई है, यानी कि दूसरे महीने का, मानसून के दूसरे महीने का आखिरी दिन है। दो महीने हो चुके हैं, मानसून का परफॉर्मेंस सामान्य रहा है, अच्छा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो जगह जगह पर बारिश में कमी कहीं दिखाई दे रही है, कहीं बारिश ज्यादा है, अगर देखा जाए तो अभी तक जो मध्य भारत है उसको सामान्य से ज्यादा बारिश मिली है और दक्षिण भारत को भी सामान्य से ज्यादा बारिश मिली है। पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र यानी कि उत्तर, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को सामान्य से काफी कम बारिश मिली है। यहाँ सूखे जैसे हालात हैं और अभी भी किसान इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब आएगी, लेकिन आज से बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी। हालांकि पूर्वी भारत में बहुत ज्यादा झमाझम बारिश की संभावना नहीं है, उसके कई कारण है। मैं आपको एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी कोई लो प्रेशर एरिया अगर यहाँ बंगाल की खाड़ी में बनता है, अगर मान के चलिए इस जगह बनता है, यहां पर बना, तो ये यूजुअली इस तरह से आगे जा रहा है। अभी जो देखा जा रहा है तो वो ये इसका ट्रैक है, यानी कि ये पश्चिम और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ गुजरात और राजस्थान के आसपास पहुंच रहा है। आमतौर पर क्या होता था पहले, अगर देखा जाए तो एक या डेढ़ दशक से पहले, मतलब कि आप कह सकते हो कि सदी के शुरुआती दौर में, यानी कि 2010 से पहले जो होता था वो, अगर यहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया बना तो वो ये ट्रैक लेता था, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता था, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और कभी कभी बिहार के दक्षिणी इलाकों से होता हुआ ये उत्तर प्रदेश और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के आसपास होता हुआ निकल जाता था और ये उत्तर भारत में यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ा देता था। और कभी कभी ये लो प्रेशर एरिया यहाँ बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता था और ये पूरे बिहार, झारखंड को लेता हुआ आगे जाता था गंगे पश्चिम बंगाल से। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का असर है और उसका असर हम देख रहे हैं कि हमारे मानसून पर भी पड़ रहा है। तो मानसून के दौरान जो ज्यादातर, खास करके जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो जुलाई और अगस्त में जो वेदर सिस्टम बनते हैं यानी कि मौसम प्रणालियां बनती हैं बंगाल की खाड़ी में, वो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ना शुरू हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों के साथ साथ विदर्भ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में। यानी कि मध्य प्रदेश में केवल ये यानी इरीगेशन फैसिलिटी बहुत कम है, उसके बावजूद जब बारिश बढ़ रही है तो यहाँ फसल की पैदावार भी बढ़ने वाली है। और उसी तरह से जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर भी बारिश बढ़ी है, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी बारिश बढ़ी है और गुजरात में तो बाढ़ जैसी स्थिति हर साल होती है और राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं वो भी बाढ़ जैसी स्थिति देखते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, यानी कि फ्लैश फ्लड वगैरह आ जाती है जुलाई और अगस्त के महीने में। तो ये मौसम का जो बदलाव है वो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। केवल ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में बारिश हो रही है इसलिए चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य भारत में जो बारिश हो रही है, जो नहीं होती थी, वो भी अप्रत्याशित हो रही है। यानी कि हैवी रेन, यानी हैवी टू वेरी हैवी रेन थोड़ी सी देर में हो जाती है, जिससे कि फसलों को फायदा नहीं होता, किसानों को फायदा नहीं होता, जमीन में पानी रिचार्ज नहीं होता, पानी बह जाता है, ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको भी बहा ले जाता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ये सारे नुकसान हो रहे हैं। तो बारिश जहां ज्यादा हो रही है वहां बहुत ज्यादा हो रही है, जहां नहीं हो रही वहां बिल्कुल नहीं हो रही, तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। आगे मौसम कैसा रहेगा इस पर नजर डालते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात में बना था उसने गुजरात में बहुत अच्छी बारिश दी, मध्य प्रदेश में बारिश दी और गंगे पश्चिम बंगाल में एक और बढ़ा, तो ये उड़ीसा वगैरह में अच्छी बारिश दी। अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये वाला, ये जो गुजरात के ऊपर है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कमजोर हो जाएगा, आगे चला जाएगा और कमजोर हो जाएगा। ये कल बारिश है साउथ सिंध वगैरह में और गुजरात के कच्छ इलाके में काफी अच्छी बारिश दी है। अब क्या होगा कि जब ये वेदर सिस्टम कमजोर हो जाते हैं तो ये जो मानसून ट्रफ है ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाती है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर एक और वेदर सिस्टम बन जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह बनेगा, तो ये तो ट्रफ ऊपर की तरफ चलेगी, पश्चिमी सिरा ऊपर चला गया लेकिन जो पूर्वी सिरा है वो नीचे ही चला जाएगा। यानी ये ऊपर चला गया लेकिन पूर्वी सिरा नीचे रहेगा, तो जहां पर ट्रफ होती है वहीं पर बारिश पड़ती है। तो जब ऊपर की तरफ आ जाएगा ये, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश होगी और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, इन इलाकों में बारिश कम हो जाएगी, झारखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ जाएगी, ये इसका असर होगा। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो वेदर सिस्टम है वो बहुत बड़े एक तरह से कारक है या एक फैक्टर्स है जो बारिश को कम ज्यादा करते हैं। तो इस तरह से ट्रफ ऊपर आएगी और यहां से ये नीचे आएगी, तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये इस सारे इलाकों में बारिश देगी। तो अब पहले पहाड़ों से शुरू करते हैं।
तो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां हो रही है, हल्की से मध्यम बीच बीच में हो रही है, लेकिन अब अगले दो तीन दिनों के दौरान क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ नॉर्थ में आ जाएगी, फुटहिल्स में आ जाएगी जो पश्चिमी सिरा है, तो उससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं, नुकसान की आशंका है। अगर आप वहां का जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्थगित कीजिए, क्योंकि वायनाड में आपने देखा था कि दो दिन पहले ट्यूजडे को मॉर्निंग में जो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था उसमें कई लोगों की जान चली गई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इस तरह का खतरा अभी बना हुआ है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अब बारिश की गतिविधियां अमृतसर गुरदासपुर से लेकर के, यानी ये फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, ये इलाकों में थोड़ी कम होगी, बाकी सारे इलाकों में अच्छी बारिश अगले दो तीन दिनों के दौरान रहेगी। दो दिनों के दौरान तो रहेगी, दो तारीख से थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वेदर एक्टिविटी रहेगी। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आज चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, इनमें अच्छी बारिश होगी। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं ये पानीपत, सोनीपत और झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद, नोह, पलवल, ये सारे इलाकों में, दिल्ली में भी अच्छी बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है, कल भी अच्छी बारिश होगी, यानी दो दिनों के दौरान इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होगी। सिरसा और फतेहाबाद के पश्चिमी इलाकों में थोड़ी बारिश कम रह सकती है, बाकी इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। काफी दिनों के बाद यहाँ पर मानसून मेहरबान हुआ है और गर्मी और उमस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं वो सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, अकबरपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, ज्ञानपुर, वाराणसी, भदोही, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे, लेकिन बाकी इलाके शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, रामपुर, संभल, बहजोई, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, एटा, अलीगढ़, जौनपुर, ये सारे इलाके, ये मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, ये सारे इलाके, जालौन, अकबरपुर, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, महोबा, झांसी, बांदा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और कल होते होते यानी एक तारीख को बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएंगी, लेकिन दो तारीख से फिर कम हो जाएंगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो पश्चिमी और मध्य जो भाग हैं ये काफी अच्छी बारिश देखते रहेंगे, यहाँ पर मानसून एक्टिव रहेगा, बाकी इलाकों में नॉर्मल रहेगा। बिहार में बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जो पूर्वी सिरा है वो थोड़ा नीचे है, तो बिहार में हल्की बारिश ही रहेगी, लेकिन एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद न करें, यहाँ पर अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बारिश में कुछ न कुछ इजाफा जरूर यहाँ पर होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर अब राजस्थान की बात करते हैं तो आज गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर बहुत हल्की खंड वर्षा होगी, कल यहाँ पर और कम हो जाएगी, लेकिन चार तारीख से और पांच तारीख से पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। उस समय बारिश की गतिविधियां बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, सांचौर, इन इलाकों में भी, नागौर वगैरह में दिखाई दे जाएगी और अच्छी बारिश की संभावना उस समय दिखाई दे रही है, उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अभी फिलहाल क्योंकि ट्रफ है जो वो पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर से जा रही है, तो दतिया, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहदोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी, अगले दो दिनों तक भारी बारिश होगी, उसके बाद बारिश की गतिविधियां नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झबुआ, ये जो दो तारीख को अलीराजपुर, बड़वनी, धार, खरगोन, देवास, हरदा, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, विदिशा, ये सारे इलाकों में बढ़ जाएगी। तो यानी कि मध्य प्रदेश में आगे पीछे बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और मध्य प्रदेश बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है। छत्तीसगढ़ में आज और कल मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर देखें तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, कवर्धा, मुंगेली, बेमतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बलोद बाजार, महासमुंद, धमतारी, बलोद और ये कांकेर, ये सारे अच्छी बारिश देखेंगे। बीजापुर, दांतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होंगे। सरगुजा, अंबिकापुर में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। झारखंड में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन जो गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, यहाँ पर तेज बारिश होगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी, लेकिन बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कम ज्यादा बारिश होती रहेगी, वेदर सिस्टम बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, तो उड़ीसा के अंदरूनी इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, बारागढ़, सुवर्णपुर, बालागी, नुआपाड़ा, बौद्ध, कालाहांडी, नवरंगपुर और रायगढ़, ये कोरापुट वगैरह, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में भारी बारिश हुई थी, दो दिनों के लिए बारिश कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक और दो तारीख को बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बनासकांठा, पालनपुर, महेसाना, सबरकांठा,
गांधीनगर, अवरोली, मोडसा, अहमदाबाद, पंचमहल, दाहोद, खेड़ा, आनंद, नादियाड, गोधरा, बड़ोदरा, उदयपुर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, डांग, पंचमहल, ये सारे इलाकों में बढ़ेगी और 3 तारीख और 4 तारीख को फिर से ये जो उत्तरी इलाके हैं भारी बारिश देख पाएंगे। दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी कम रहेगी बारिश। महाराष्ट्र में जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर 2-3 तारीख को एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां, मुंबई, थाने, दानू यहाँ पर बढ़ेगी, रत्नागिरी, महाबलेश्वर में अच्छी बारिश होगी, नासिक, मालेगांव, जलगांव में भी 2-3 तारीख को बारिश बढ़ेगी, अमरावती, अकोला, वाशिम, भंडारा, नागपुर, ये सारे इलाकों में हल्की या मध्यम बारिश रहेगी और जो मराठवाड़ा है और बाकी इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम होगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, बाढ़ की स्थिति में यहाँ पर सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, उसी तरह से उपहिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान काफी दिनों के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ज्यादा बारिश होगी, उत्तरी इलाकों में थोड़ी कम होगी, लेकिन बारिश यहां पर लगातार जारी रहेगी, खंड वर्षा ज्यादा रहेगी, यानी पैची रेन ज्यादा रहेगी, लगातार जो बारिश होती है वो कम दिखाई देगी। अगर कोस्टल कर्नाटका की बात करें तो यहाँ भारी से अति भारी बारिश बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और कारवार, होनावार और मेंगलुरु में आपको दिखाई देगी। इंटीरियर जो कर्नाटक है वहां पर पैची रेन कहीं कहीं पर होगी, कहीं नहीं होगी, इस तरह का रहेगा। तेलंगाना के उत्तरी जिलों में तो बारिश ठीक ठाक रहेगी, आदिलाबाद, कुमराम, भीम, निर्मल, निजाबाद, जगदल और ये पेड़ापाले वगैरह में, जो कामारेड्डी, करीमनगर में तो ठीक ठाक बारिश रहेगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश लगभग शुष्क रहेगा, बहुत ही हल्की बारिश एक आध जगह पर हो गई तो हो गई, बारिश की संभावना काफी कम है। उसी तरह से तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। केरल में जो बारिश हो रही थी, वायनाड में बहुत ज्यादा दुखद घटना हुई थी, यहाँ पर अगले 24 घंटों तक तो उत्तरी केरल में बारिश रहेगी, उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम हो जाएंगी, मॉडरेट शावर्स ही रहेंगे, हैवी टू वेरी हैवी रेन की संभावना कम नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर उत्तरी जो द्वीप है वहां पर अच्छी बारिश होगी, नील हैवलॉक और पोर्ट ब्लेयर में, कानिकाबार में ठीक ठाक बारिश होगी, हटवे वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। उसी तरह से लक्षद्वीप के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि काफी दिनों के बाद मानसून उत्तर भारत में एक्टिव होने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।